बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सहर आरुन किचन। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में कीमा ब्रेड बॉक्स पेटीज़। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके लिए हम दिखा देते हैं मैंने क्या लिया है। यहाँ मैंने ये कीमा लिया है और 250 ग्राम ये कीमा है। तो यहाँ मेरे पास कीमा नहीं था और कुछ पीसेस गोश्त के थे, तो मैंने उसको एक सीटी लगाकर उबाल लिया और फिर उसको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है और रेशेदार हो गया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा ये। आपके पास अगर कीमा हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें विदाउट फैट लेना है, यानी रूखा कीमा लेना है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो गैस की तरफ हम आ गए हैं और यहाँ हमने एक पैन रख लिया है। पैन में हमने 2 चम्मच तेल डाला है। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इसको किसी चीज़ में फिल करेंगे, भरेंगे, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ कीमा डाल दिया है। अच्छी तरह हमने इसे 1 मिनट तक पका लिया है और कीमा जल ना जाए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि कीमा जले नहीं। इसके बाद 2 चम्मच भर के मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। सिर्फ अदरक लहसुन ही ऐड करना है, प्याज नहीं डालनी है। और उसके बाद अब हम इसमें मसाले डालने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे क्योंकि हल्दी से बहुत अच्छा सा इसका कलर भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ी सी ही हमें इसमें हल्दी ऐड करनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और इसको हम 2 मिनट तक पकने देते हैं। गैस का फ्लेम जो है वो मैंने स्लो टू मीडियम रखा है। और अगर आप कीमा ले रहे हैं तो उसमें आप एक सीटी लगा सकते हैं और उसके बाद इसे इस तरह से बनाना शुरू कर दें। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये 1/2 चम्मच से कम धनिया डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया पाउडर है। और उसके बाद यहाँ मैं ये कुटी हुई मिर्च ले रही हूँ, तो 1/2 चम्मच से ज़्यादा ली है मैंने क्योंकि ये हम थोड़ी सी चटपटी बनाएंगे। अगर थोड़ा नमक मिर्च आप कम खाते हैं तो थोड़ा सा इसमें बढ़ा लीजिए क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना जले। और 10 मिनट तक अब हम इसे पकाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी ये हरी मिर्च, हरा धनिया और 1/4 चम्मच काली मिर्च और नमक अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया है, तो 1/2 चम्मच है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, ये हम ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से हम इसे चला लेते हैं। और कीमा हमारा एक सीटी हम पहले ही ले चुके थे और 10 मिनट अभी और पका लिया है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गया है हमारा कीमा। तो अब बस हमें इसे 5 मिनट तक भूनना है। भूनेंगे हम इसलिए क्योंकि इसमें अभी ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी है और ये अगर हम ब्रेड में भरेंगे तो ब्रेड फट जाएगी, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं, बिल्कुल पानी इसका खुश्क कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है और इसमें हमने ऊपर से प्याज डाल दी है। प्याज हम ऊपर से इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी क्रंचीनेस बनी रहे बिल्कुल। यहाँ ब्रेड क्रम्स लिया है और यहाँ कुछ ब्रेड ली है और इसके किनारे हमने निकाल दिए हैं। 2 अंडे लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, 2-3 टेबल स्पून, सिर्फ इतना ही। और अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेंगे। तो चलिए आप पेटीज हम बनाना शुरू कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें एक ये ब्रेड लेनी है और यहाँ ये मैंने पानी लिया है, तो ब्रेड को हम इस तरह से रखेंगे और पानी हमें हाथ से लगाना है क्योंकि हम इसके किनारे इस तरह से दबाएंगे। और ब्रश से भी लगा सकते हैं लेकिन ब्रश से किनारे दब नहीं पाएंगे। ब्रेड को पूरा पानी में ना डुबोएं क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है और वो पानी में बिल्कुल
एकदम से बैठ जाएगी। तो इस तरह से एक चम्मच हम ये फिलिंग ले लेते हैं, जितनी आपकी ब्रेड में ये आ पाए उतनी ले लेते हैं। इस तरह से थोड़ी सी प्याज ये ऊपर रख देते हैं, उसके बाद इसको करते हैं साइड और एक ब्रेड और ले लेते हैं और उस पर भी हम यही वाला प्रोसेस करेंगे। तो जहाँ तक हो पाए ताज़ी ब्रेड लें, क्योंकि ताज़ी ब्रेड के ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, और अगर आपने ब्रेड बिल्कुल भी बासी ली तो ये टूटने लगेंगे और वो नहीं बन पाएंगे। फिर भी बहुत हद तक मैंने कोशिश की है, लेकिन ये परफेक्ट ताज़ी ब्रेड नहीं है, ये सुबह की ब्रेड लग रही है जो अब तक थोड़ी सी टाइट हो गई है। इस तरह से हम इसे दबा देते हैं और ज़रूरत पड़े तो यहाँ इस तरह से ये पानी लगा देंगे। दिखाने का मतलब ये है कि बिल्कुल इसके जो किनारे हैं ये बिल्कुल हमें चिपकाने हैं। तो अच्छी तरह से हम इसे चिपका देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने अंडा लिया है, अंडे में हमने थोड़ा सा दूध मिला के इसे फेंट लिया है, इसमें हम इसे हाथ से ही इसको इस तरह से डिप करेंगे। इसलिए हाथों को बहुत अच्छी तरह से आप धो लें और फिर हम एक हाथ से इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डाल देंगे और अब सूखा वाला जो हाथ है इससे हम ऊपर इसके ब्रेड क्रम्स डालेंगे। जिस हाथ से अंडा लगाया है उस हाथ से ना डालें, क्योंकि ब्रेड पर सारे क्रम्स आपके हाथों पर चिपक जाएगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा दबा देते हैं, फिर हम इसे उठाएंगे और इसके चारों कोनों को इस तरह से हम पलट पलट के इस पर भी ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसको अभी डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है, इसको अभी हमें 5 मिनट सेट करने के लिए इसी में छोड़ देंगे। और अगर ज़्यादा जल्दी आपको ज़रूरत है, 5 से 10 मिनट इसमें प्लेट में छोड़ूंगी, और बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रीजर में 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो चलिए सारे बना लेते हैं, फिर हम इसे फ्राई करते हैं। सारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और यहाँ पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है, अच्छी तरह से ये गर्म हो गया है और बहुत स्लो इसको फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। इसलिए मेरा जो तेल है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है, तो मैं इसका फ्लेम मैंने अभी बंद कर दिया है। और इस तरह का एक हम चम्मच ले लेंगे, आपके पास ज़रूरी नहीं चम्मच हो, इस तरह की कोई छुरी हो वो भी आप नाइफ भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप ले लें। और इस तरह से हम ये डाल दें। तो मैंने ये प्रोसेस आपको इसलिए दिखाया था कि अगर आपको उठाने में थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि टूट जाएंगे तो इस तरह से डाल लें। तो बस एक बार में हम ये 3 ही डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा पलटने के लिए भी स्पेस होना चाहिए। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब मैं खोल देती हूँ, तो बहुत स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, शैलो फ्राई। तो कम से कम 1 मिनट लगेगा हमें इधर से फ्राई करने में और 1 मिनट लगेगा हमें टर्न करके फ्राई करने में। तो जब फ्राई हो जाता है तब हम दिखाते हैं। बहुत अच्छा से इस पर कलर आ गया है और बहुत अच्छी गोल्डन और क्रिस्पी ये तैयार हो गई है। हम पलट के दिखा देते हैं आपको, इसको भी हम पलट के दिखा देते हैं। और हमने इसको अब इस टाइम ये पैन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें ना जा पाए। तो चलिए इसी ऐसे ही करे रहेंगे और इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। देखा दोस्तों कितनी आसानी से ये हमारी बॉक्स पेटीज बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। कीमे की स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, और कीमे की जब भी आप स्टफिंग बनाएं तो उसमें थोड़ा सा मसाला थोड़ा तेज़ रखें, तभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई है, और ये देखिए अंदर ये कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी बनी है। तो इसे ज़रूर से बनाएं।
और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी किस तरह कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मैं मिलती हूँ ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।